दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से 2.5 घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज़ की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आजकल के ज़माने में हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है और जिसके सबसे ज़्यादा पेशेंट होते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा लोग पीड़ित होते हैं, वो होता है उनका वज़न। बहुत सारे लोग अपने वज़न से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अनियंत्रित उनका मोटापा होता रहता है और उनकी बॉडी में फैट का अनियंत्रित डिपोजिशन होने लगता है, अनियंत्रित जमाव होने लगता है और वो बहुत कुछ करते हैं उसके लिए। आयुर्वेदिक दवाई खाते हैं, होम्योपैथिक दवाई खाते हैं, एलोपैथिक दवाई खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइटिंग करते हैं, लेकिन पूरी तरह उस मोटापे को कवर नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, खत्म नहीं कर पाते हैं। अब ये जो समस्या है, खास तौर से हमारे जीवन जीने की पद्धति के कारण बढ़ जाती है। हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं जिनके कारण हमारी बॉडी में फैट का अनियंत्रित डिपॉजिशन होने लगता है। हमारा जो एडिपोज टिश्यू होता है, हमारे अंदर जो एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं, उनमें अनियंत्रित रूप से फैट का जमाव होने लगता है। होम्योपैथी में इस मोटापे की समस्या को दूर करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाएं उपलब्ध हैं जो कि सिम्टम्स के बेसिस पे दी जाती है। अब मान लीजिए किसी को पीसीओडी के कारण मोटापा हो रहा है, यानी कि यदि कोई महिला है और उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी की शिकायत है और उसके कारण उसमें मोटापा हो रहा है, तो उसके सिम्टम से मैच करके अलग दवाई दी जाती है। यदि किसी को किसी दूसरी समस्या से, कोई गोली दवाई खा लेने से मोटापा बढ़ रहा है, तब उसके सिम्टम से मैच करके कोई दूसरी दवा दी जाती है, तो इससे उनका जो मोटापा है वो खत्म होने लगता है। लेकिन एक जनरल कंडीशन जो मोटापे की होती है, जो किसी कारण से नहीं लेकिन उनका शरीर जो है वो अंदर से मोटा होने लगता है, बहुत ज़्यादा फैट का डिपॉजिशन होने लगता है, उसके लिए होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी दवा आती है जिसके कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट अभी तक देखे गए हैं। और इस मेडिसिन को कहा जाता है दोस्तों, फाइटोलक्का बैरी, ये इसका पूरा नाम है दोस्तों, फाइटोलक्का बैरी इसका पूरा नाम है। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा कि फाइटोलक्का डिकेंड्रा करके एक दूसरी मेडिसिन आती है जो कि टॉन्सिलाइटिस जैसी बीमारियों में काम आती है। तो आपको फाइटोलक्का डिकेंड्रा नहीं लेना है, आपको फाइटोलक्का बैरी लेके आना है। फाइटोलक्का बैरी होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हमारे वजन को कम करने में हमारी मदद करती है, मोटापे को कम करने में हमारी मदद करती है। तो आज मैं आपको फाइटोलक्का बैरी के ही बारे में बताने वाला हूँ कि ये किस तरह से और किन किन चीज़ों में हमारी हेल्प करती है, इसके क्या क्या डोजेज रहते हैं और हमें इसको किस तरह से लेना चाहिए और क्या हमें इसके साथ में करना चाहिए जिससे कि हमारा जो वज़न है वो बहुत जल्दी से कम होना शुरू हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो फाइटोलक्का बैरी होती है ये सभी कंपनियां बनाती हैं, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, लेकिन फाइटोलक्का बैरी जो टैबलेट्स आती हैं उनका यूज ना करें जब आपके पास मदर टिंचर ही अवेलेबल है। ये मदर टिंचर है फाइटोलक्का बैरी का, तो जब मदर टिंचर ही इजीली अवेलेबल हो जाता है तो उसको यूज करें, क्योंकि टैबलेट्स मुझे नहीं लगता कि वो जो 1x 3x पोटेंसी में बनाई जाती हैं वो उतनी ज्यादा इफेक्टिव आपको होंगी। यदि हम इसको देखें कि ये किन किन चीज़ों में हमें हेल्प करता है, तो सबसे पहले तो मैंने जैसा कि आपको बता ही दिया है कि ये वज़न को कम करने में आपकी सहायता करेगा, इन्फेक्शन से लड़ने में ये आपकी सहायता करता है। बहुत सारे लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसमें भी फाइटोलक्का बैरी का मदर टिंचर बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प करता है। इसके अलावा सिफिलिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी
बीमारियों में भी फाइटोलक्का बेरी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, सीधा मैं इसके डोज पे आता हूँ। यदि हम इसके डोज की बात करें तो इसको लगभग 20-20 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिला के पीना शुरू कर देना चाहिए। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि आपके वजन को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगी, लेकिन कंटिन्यू 3 से 4 महीने कम से कम इसका उपयोग करना जरूरी है। अब यहाँ पे साथ में सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है वो ये है कि अकेले फाइटोलक्का बेरी आपके वजन को कम तो करेगी, लेकिन जो स्पीड आपको चाहिए वो स्पीड आपको नहीं मिलेगी। तब उस कंडीशन में आपको स्पीड को बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने मोटापे को कम करने की जो स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए आपको शाम को 7 बजे के बाद खाना पीना बंद करना होगा। डाइटिंग, आपको डाइट चार्ट फॉलो करना होगा। हम लोग खाना खाते तो हैं, लेकिन खाना खाने का जो सही तरीका है वो हमें नहीं पता होता है, तो हमें उसको फॉलो करना होगा। एक सही तरीके से पूरा डाइट चार्ट अपना बनाना होगा और एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वॉकिंग करना, रनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल कर लेंगे, तब फाइटोलक्का बेरी के साथ में उसका इस्तेमाल करने से आपका जो वजन है वो बहुत जल्दी कम होने लगेगा। और मैंने इसके जो रिजल्ट्स देखे हैं कि डाइटिंग और एक्सरसाइज के साथ साथ जो लोग फाइटोलक्का बेरी का मदर टिंचर इस्तेमाल करते हैं 20-20 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर, उनका जो वजन है वो 1 महीने में 3 से 4 किलो तक आसानी से कम हो जाता है। दोस्तों, फाइटोलक्का बेरी के मदर टिंचर की 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में और 20 बूंद शाम को आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पीना चाहिए। पानी आप अपनी सुविधा अनुसार भी ले सकते हैं, लेकिन आधे कप से कम नहीं होना चाहिए। आप ठंडा पानी, गर्म पानी, गुनगुना पानी, जैसा चाहे वैसा भी आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं, लेकिन पीना इसे दिन में 3 बार है। ये जो दवा है फाइटोलक्का बेरी, ये आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे या फिर ऑनलाइन फार्मेसी पर मिल जाएगी। आप वहां से इसे बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाद जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नज़दीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को